अब हम लोग जा रहे हैं एक नया व्लॉग स्टार्ट करने और हम लोग जा रहे हैं अपना वेकेशन मनाने। हाँ, इन दिवाली हॉलीडेज, तो क्योंकि छुट्टी ऐसे जल्दी मिलती नहीं है, तो वी थॉट कि 3 दिन की छुट्टी मिली है तो इसमें कुछ अच्छा सा वेकेशन कर लेते हैं। तो कहाँ जा रहे हैं ये आपको व्लॉग में पता चलता रहेगा। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और बाकी लेट्स गो। गाइज, हम लोग जा रहे हैं कतरनिया घाट, और कतरनिया घाट जाते टाइम बीच में हमारे पड़ता है एक चिलहरी घाट के नाम से फेमस है ये। ये एक बहुत लंबा ब्रिज है जो अराउंड 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा है, और यहाँ पे हमने स्टे लिया था ताकि हम टी या कॉफ़ी कुछ ले सकें। तो यहाँ पे छोटे छोटे ढाबे हैं जिन पे आप चाय पी सकते हैं और साथ ही व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ कुछ देर रुके थे, और ये जो ब्रिज बना है ये घाघरा घाट के ऊपर बना, सॉरी घाघरा नदी के ऊपर बना हुआ है, तो बीच में इस पे अगर आप चाहें तो स्टे ले सकते हैं। जहाँ जो कतरनिया घाट है वो बहराइच के पास पड़ता है, यानी बहराइच के बॉर्डर्स पर है, और हम लोग को अपने लिए तहरी बना के लेके गए थे क्योंकि रास्ते में काफ़ी लंबा सफ़र था, कुछ तो खाना ही था, तो हमने तहरी बना ली थी एंड उसी को हमने एक जगह कार रोक कर इंजॉय किया, और उसके बाद फिर अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है कतरनिया घाट का। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये मोतीपुर कहलाता है, ये फॉरेस्ट एरिया या फॉरेस्ट रेंज की बिगनिंग है। हमें यहाँ से 10 किलोमीटर और आगे जाना है ककराहा, जहाँ पे हमारा स्टे है। तो बेसिकली कतरनिया घाट में 3 स्टेज हैं, मोतीपुर जो कि पहले स्पॉट पे पड़े आते हैं स्टार्टिंग में ही जो आप देख रहे हैं अभी, सेकेंड है ककराहा जहाँ पे हम लोग रुके हैं, और थर्ड है कतरनिया घाट। तो आपको वन बाय वन हम सब चीज़ों की डिटेल्स देते रहेंगे कि कहाँ कैसा था लोकेशन। तो चलते हैं आगे, और जैसे जैसे हम लोग मूव आउट करें आगे जाने के लिए, आप यकीन मानिए बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत ज़्यादा पीसफुल प्लेस है ये जगह। ग्रीनरी की तो आप बात ही मत करिए, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी यहाँ की, और सबसे अच्छी बात नेचर अपने प्योर फॉर्म में था। फॉरेस्ट एरिया आप कोई भी जाइए, वहाँ पे आपको अगर नेचर को ऑब्जर्व करना है तो आपको उसी तरीके से सोचना पड़ेगा। तो हम लोग जब यहाँ आए तो यहाँ पे फ़ोन का नेटवर्क नहीं था और लाइट भी नहीं थी, तो आप एक तरीके से जो बाहरी दुनिया होती है उसे कट जाते हैं, नो इंटरनेट, नो फ़ोन कॉल्स, तो आप सिर्फ अपने पीस ऑफ माइंड पे रहते हैं क्योंकि वहाँ पे टीवी एंटरटेन करने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो हम लोग अब जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ जो है ककराहा, और ये जो वीडियो था हमने टाइम लैप्स करके बनाया था इसीलिए आपको इतना फास्ट फॉरवर्ड दिख रहा है। गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं अपने रेस्ट हाउसेज में, जैसा कि पीछे देख रहे हैं दोनों हम लोगों ने बुक कर रखे हैं, और पर रूम्स 2 ही लोग रुक सकते हैं, एंड बहुत शांति है यहाँ क्योंकि ये फॉरेस्ट का एरिया है, तो अच्छा खासा यहाँ पे बहुत सामने से बहुत पीस है। तो इफ़ यू वांट अ वीकेंड गेट अवे यू कैन श्योरली कम हेयर, और आप यहाँ पे आ सकते हैं बिल्कुल। जो यहाँ की प्राइस रेंज है वो आपको मैं बाद में शेयर कर दूँगी, और आपको बता ही चुके हैं कि कैसा है यहाँ पे प्राइस रेंज, और आपने पहले ही इसका टूर देख ही लिया होगा, रूम टूर जो मैंने करवा दिया है। बट अगर आपको सच में लखनऊ में रहते हैं, उसके आसपास के एरिया में रहते हैं, और आपको एक पीसफुल गेट अवे चाहिए, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। मुझे यहाँ लगी ये बहुत सेफ एरिया है, लाइक चारों तरफ बाउंड्री वॉल्स हैं एंड ऑल द थिंग्स आर वेरी सेफ प्लस क्लीन। सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर सब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लीन हैं। तो हम लोग अभी थोड़ी देर में निकलेंगे कतरनिया घाट के लिए। एक चीज़ और, यहाँ से कतरनिया घाट एटलीस्ट 32 किलोमीटर्स है, वहाँ पे भी हाउसेज थे, रेस्ट हाउसेज हैं, बट वो एक्चुअली बुक हो गए हैं, बट वहाँ के जो रेस्ट हाउसेज हैं वो इतने अच्छे लाविश नहीं हैं, दे आर जस्ट नॉर्मल। तो अभी उसकी भी वीडियो आपको दिखा देंगे इसमें। तो जब हम लोग सफारी के लिए जाएंगे सुबह, हम लोग ने मॉर्निंग सफारी रख रखी है फ्रॉम 7 to 10, तो उसके लिए हमें जल्दी उठना पड़ेगा। और अभी वी आर थिंकिंग कि हम यहाँ पे आए हैं तो कुछ ना कुछ
जाके इंजॉय करें। तो अभी हम लोग 3 बजे के करीब, अभी बज रहे हैं अराउंड 2:10-2:15, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे कतनिया घाट, मेन कतनिया घाट अट्रैक्शन साइट के लिए, और वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अट्रैक्शंस हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, और प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, इसको ज़रूर शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करिए, तो आपको कतनिया घाट की जो फुल वीडियो है वो मैं आपको पूरा बताऊँगी। और ये वीडियो बनाने का मतलब एक ही था, क्योंकि मैं बहुत बार वीडियो देख रही थी कि कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ स्टे लेना चाहिए, कहाँ नहीं, तो मुझे प्रॉपर कोई वीडियो नहीं मिला कि कैसे आप कैसे पता कर सकते हैं। एंड बिलीव मी गाइस, बहुत ज़रूर आइए एक बार और अपना इन्जॉय करिए यहाँ पे। सो मिलते हैं हम लोग जब जाते हैं अभी 3 बजे, एक ज़्यादा ड्राइविंग हुई थी तो रेस्ट करना है, तो उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से आफ्टर 3:00। ओके बाय। सॉरी गाइस, रूम टूर की वीडियो जो है वो बाद में एडिट हो गई है। तो ये है हमारे आउटसाइड का पोर्च, जहाँ पे हम रुके हैं उसका नाम है शीशम, और जहाँ पे मेरी मदर का कॉटेज है उसका नाम है आसना। ये ट्रीज़ के नाम पे इन्होंने हाउसेज रख रखे हैं और ये बहुत कूल है। सो ये बाहर का व्यू है, और ये हमारे दोनों कॉटेजेस हैं, बीच में पार्किंग की जगह हैं, और आप आसपास घूम सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ रिजॉर्ट लाइक, बस यहाँ पे बहुत फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी आपको। तो ये मेरी मदर का है, और इसमें ही आपको हम सारी चीज़ें दिखा देते हैं। ये मेन डोर से एंट्री करते ही आपको विंडोज़ मिल जाती हैं, टीवी है, एसी लगा हुआ है, एंड दैट इज़ द बेड, और चेयर्स हैं, आपको नाइट मॉस्किटो रिपेलेंट देते हैं ये लोग, और बहुत अच्छी तरीके से वेल मेंटेन्ड रूम देते हैं। वॉशरूम भी बहुत क्लीन, बहुत नाइस है, और उसके लाइटिंग प्रॉपर है, क्योंकि सोलर पावर से सब कुछ चलता है, तो टीवी और एसी अभी काम नहीं कर सकता है। और दे आर टू क्लीन, ये दिस इज़ मी, और आप ऐसा देख रहे हैं, इट इज़ वेरी क्लीन। उसके बाद ये कबर्ड्स हैं, कबर्ड्स के अंदर आपको 2 ब्लैंकेट्स मिलते हैं, एंड दे आर नाइस ऑफ नाइस क्वालिटी। देन ये एक बहुत अच्छा ड्रेसिंग रूम इन्होंने दे रखा है, जहाँ पे आप लोग तैयार हो सकते हैं। यू कैन ऑल सी, उस पर एक तरफ बेंच है और ड्रेसिंग रूम प्रॉपर है वो। तो ये था रूम के अंदर का, काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखा है, और सामने निकलते ही पोर्च है। सारी विंडोज़ पे आपको मॉस्किटो नेट मिलेगी ही मिलेगी, और बाहर का एरिया कुछ इस टाइप का है। काफ़ी क्लीन रखते हैं ये लोग ककराहा में, और क्योंकि ट्रीज़ हैं तो आपको अक्सर ही छोटे मोटे एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। मुझे रात में यहाँ पे हाइला या फिर ट्री फ्रॉग देखने को मिला, जो मैं सिर्फ स्पेसिमेंस में देखा था। तो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस कि आप कोई चीज़ को उसके नेचुरल हैबिटेट में देखते हैं। उसकी इमेज हम इसी में डाल देंगे, सो ऑल यू कैन सी दैट। तो ये हमारे दोनों के कनेक्टिंग वो है कि आप यहाँ से पोर्च है, खड़े होकर बात कर सकते हैं। हमारी कार जो वहाँ पे पार्क्ड है, और बाहर से व्यू कुछ इस टाइप का है, दोनों आसपास में ही हैं, और रात में क्योंकि सिर्फ सोलर पावर अवेलेबल है, देयर नो लाइट सिस्टम, तो आप एक्सपेक्ट करके ना आए कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लाइट और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी। बट हाँ, जो बेसिक चीज़ें आपको चाहिए उसकी फैसिलिटीज़ आपको प्रॉपर दी जाएगी। सो गाइस, हम लोग निकल लिए हैं अभी कतनिया घाट की तरफ, बट हम लोग कतनिया घाट अभी नहीं जा रहे हैं। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारे स्टे से कतनिया घाट मेंस की जो दूरी वो तो अराउंड 32 किलोमीटर्स है, अराउंड आप मान के चलिए 40 मिनट्स लगते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं एक डैम पर, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बोला कि आप कतनिया घाट तो सुबह जा ही रहे हैं, आप वहाँ का एक डैम है कृष्णा बैराज आई थिंक, वहाँ जाके घुमाइए, बहुत अच्छी जगह है। तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं इट इज़ अ रियली डेंस फॉरेस्ट, चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखेंगे आपको, और क्योंकि शाम का वक्त हो गया तो हल्का अंधेरा छाने लगा है, और इसमें ड्राइव का अपना ही मज़ा होता है। सो आई एम ऑल्सो इन्जॉइंग द सेरेनिटी एंड ब्यूटी ऑफ दिस कतनिया घाट, और साथ में हस्बैंड, क्योंकि 2 ड्राइवर्स थे, एक मेरा भाई और एक ये, तो हम ये लोग ने बारी बारी से कार ड्राइव कर ली थी, तो बहुत ज़्यादा थकावट एक को नहीं हुई थी। तो अगर आप भी लॉन्ग डिस्टेंस पर जा रहे हैं तो ये श्योर करिए कि 2 ड्राइवर्स या ऐसे 2 लोग को रखें कि जो जिनको ड्राइविंग आती हो। तो हम लोग जा रहे हैं कृष्णा बैराज की तरफ, और नेक्स्ट जो हमारा स्पॉट है वो है कृष्णा बैराज। कृष्णा बैराज जो है वो कतनिया घाट से 5 किलोमीटर पहले एक कट है, वहाँ से मुड़ के जाना है, और वहाँ से भी 12 किलोमीटर्स दूर है, तो अराउंड हमें 40 किलोमीटर्स के आसपास ट्रैवल करना है।
सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं कृष्णा बैराज और आप यहाँ की लोकेशन देखते ही समझ गए होंगे कि ये भी एक तरीके का डैम है। अगर आप चाहें तो यहाँ आ सकते हैं घूमने के लिए, क्योंकि कतनिया घाट में ज़्यादा चीज़ें घूमने को तो है नहीं, आप सफारी के लिए ही जा सकते हैं। फॉरेस्ट एरिया में आपको ऐसे ही इधर उधर घूमना अलाउड नहीं है। और यहाँ पे दिस इज़ मी ट्रैवलिंग एंड मेकिंग द व्लॉग्स, सो आप देखिए इसकी ब्यूटी और हम बात करते हैं आपसे बाद में। सो ये जो डैम है ये भी घाघरा नदी पर ही बना हुआ है, तो यू कैन इमेजिन अगर आप इस साइड के रहने वाले बस्ती गोंडा एंड बैराज के साइड, तो आप ये जान सकते हैं कि घाघरा नदी कितनी बड़ी है। और हम लोग जो चिलहरी घाट पर रुके थे वो भी घाघरा नदी पर था और ये डैम भी घाघरा नदी पर बना हुआ है। एंड दिस इज़ माई हस्बैंड, इन्होंने एक बच्चे से वो हल लेकर जा रहा था तो उन्होंने उसे ले लिया था एंड ही वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग। और उसके बाद जब वो बैल भागने लगे, इनसे कंट्रोल नहीं हुए, तो उन्होंने उसको वापस कर दिए। तो वहाँ पे अभी भी ट्रैक्टर्स नहीं हैं, लोग ऐसे ही हल का यूज़ कर रहे हैं। तो गांव वाले काफ़ी सिंपल हैं वहाँ पे, एंड यू कैन सी दीज ऑल द बॉयज दैट आर गोइंग। एंड साथ ही बहुत सारे लोग आप देखेंगे वहाँ पे कि हल लेकर ही आ रहे, क्योंकि शाम का समय है तो अपनी खेती पूरी करके वो अपने घर को जा रहे हैं। सो ये बहुत रेयर व्यू है जो आपको ज़्यादातर अर्बन एरियाज में देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइस, इस समय हम लोग आए हैं कैलाशपुरी बैराज पे, जो कि कतरनिया घाट, मेन जो कतरनिया घाट है उससे 5 किलोमीटर पहले पड़ता है। एक चौराहा है जिसका नाम है बिछिया, और उससे और 12 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा तब आप यहाँ आ सकते हैं। एंड अच्छी लोकेशन है, अगर आप कतरनिया घाट आ रहे हैं और स्टे ले रहे हैं तो आप यहाँ पर भी एक बार आ सकते हैं। और जैसे आपको बताया था मैंने कि सफारी जो है हम लोग की वो सुबह है, तो अभी बज रहे हैं 4:30 हो रहे हैं। और बाकी ये पूरा डैम है तो हम लोग इसको अभी देख रहे हैं, और ये काफ़ी लंबा है, अराउंड 1 किलोमीटर में बना हुआ ये डैम है। और मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लोकेशन है और बहुत पीस है, तो अगर आप सिटी की बहुत सारी चीज़ों से अलग निकलना चाहते हैं वहाँ से और कुछ अच्छा सा वीकेंड गेटअवे करना चाहते हैं तो आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। तो इसकी डिटेल्स हमने पहले ही बताया था कि जहाँ पे हम लोग रुके हैं, हमने रूम की पिक्चर शेयर कर दी है, तो आप ज़रूर एक बार आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। ही इज़ माई हस्बैंड, माई गॉड। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमें लौटते हुए रात हो चुकी है, और रात में ये प्लेस सच में बहुत स्कैरी होती है क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें आती हैं एंड आपको कोई भी रास्ते में नहीं दिखता है, तो बहुत सारी जो डरावनी कहानियाँ होती हैं या फिर यू कैन से जो थोड़ी फेबल्स बनाए गए हैं कि रास्ते में ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, वो सब कुछ याद आ रहा था मुझे। और सच बताएं तो मेरे तो बहुत डर लग रही थी कि रात थी, कोई भी जानवर आ सकता था। और बात करें हमें जानवर ज़्यादा तो भूत प्रेतों से डर लग रही थी। आई नो ऐसा कुछ होता नहीं है, बट थोड़े से हम सुपरस्टिशियस ज़्यादा हैं तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। बट लौटते टाइम रात बहुत हो गई थी, तो हमने सोचा गाड़ी को बस भगाते हैं और सीधे ककराहा पहुँचते हैं, वहाँ पे ही स्टे लेते हैं। सो आप जाए तो एक बार, मेरे हिसाब से अगर आप एडवेंचर जर्नी है तो एक बार रात में जरूर ट्रैवल करके देखिएगा, बहुत मजा आता है। जैसा दिखाया कि मेरे तो इतना नहीं आया, बट हो सकता है आपको आए, तो अगर आप जाइए तो रात का ट्रैवल जरूर कीजिएगा फॉरेस्ट एरिया में, क्योंकि वहाँ सुबह तो फॉरेस्ट कुछ और होता है, जंगल के बीच में बहुत सुंदर है। लेट मी शो, ये देखिए बहुत सुंदर सजाया हुआ है, एंड क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है तो इतनी ज्यादा लाइट नहीं है, सिर्फ सोलर सिस्टम की मदद से ही लाइट यहाँ पे आती है, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। और ये देखिए दिवाली के टाइम ऑल द दियाज आर लाइटनिंग एंड इट्स टू ऑसम, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज के व्लॉग में इतना ही, बट आप कतरनिया घाट का पार्ट 2 देखने के लिए ज़रूर वापस आइएगा। मेरे व्लॉग
इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि इसके नेक्स्ट पार्ट में हम ब्लॉगिंग करेंगे। सो मिलते हैं अब सुबह। सॉरी, जाने से पहले अभी थोड़ी देर में हमारा खाना डिनर होने वाला है, तो वो हम इसी में इंक्लूड करेंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ का कुछ करेंगे। सो मिलते हैं डिनर टाइम पे। डिनर 9:30 बजे है, अभी बज रहे हैं 7, शाम के 7 बजे हैं, क्योंकि हम लोग लौट आए हैं और काफ़ी पीसफुल है एज यू ऑल कैन सी। तो आप यहाँ ज़रूर आइए एक बार इंजॉय करने, और सारी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते ही जा रहे हैं, पर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। सो अभी मिलते हैं डिनर टाइम पे। सो जो खाना था वहाँ का वो बहुत फ्रेश था, क्योंकि सब कुछ आपके सामने ही बना था, और हमने थाल ऑर्डर करी थी बट उन्होंने दिया बूफे मैनर में था, सब कुछ टेबल पे बहुत अच्छे से अरेंज कर दिया था, और नाइट टाइम बाहर खाना बहुत अलग एक्सपीरियंस था हमारे लिए। और जो वहाँ का अंधेरा था वो सच में देखने लायक था, क्योंकि इतना डार्क मैंने पहले कभी नहीं देखा। और अगर आप फॉरेस्ट का सच में साइलेंस फील एक्सप्लोर करना चाहते हो तो एक बार फॉरेस्ट एरिया में रुककर ज़रूर देखें। और हमने खाने का जो यहाँ पे था वो आपका सिर्फ एक ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है, और जो यहाँ का रूम का रेंट है वो अराउंड 3100 है पर नाइट, एंड सफारी 2100 पर 4 पीपल्स है यहाँ की। और आप इसको यूपी इको टूरिज़म वेबसाइट पे जाके या फिर उसका ऐप डाउनलोड करके बुक कर सकते हैं। तो हम लोग अपना खाना फिनिश करते हुए, खाना खाने के बाद हम लोग सोने चले जाएंगे, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, और मिलते हैं आपसे सुबह यानी अपने कतनिया घाट के ब्लॉग 2 में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।